वर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या है? देखें, वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ और डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये वर्क का फॉर्मूला है। इसमें एफ आपके पास क्या है? फोर्स, डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके ऊपर अगर आपको बहुत ज्यादा सिंपल एमसीक्यूज आएंगे तो वो इस तरह आएंगे, आपको कहेंगे कि अगर एफ आपके पास है लेट सपोज 10 न्यूटन और डी आपके पास है लेट सपोज 10 मीटर, तो आप मुझे वर्क फाइंड करके दे दें। तो सिंपल फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। W इज इक्वल टू एफ कितना है? एफ आपके पास है 10 न्यूटन और डी आपके पास कितना है 10 मीटर, तो W इज इक्वल टू 10 ज़र्ब 10, इससे क्या आता है 100 जोल। तो ये तो एक सिंपल फार्मूला हो गया, सिंपल एमसीक्यूज हो गई किसके ऊपर? वर्क के ऊपर, कि आपको फोर्स दिया गया है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, आपने क्या चीज निकालनी है? वर्क। इसके बाद दूसरी एमसीक्यूज इस तरह आएगी कि इफ द फोर्स, लेट सपोज इफ द फोर्स इज 15 न्यूटन एंड अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको फोर्स दिया गया है 15 न्यूटन, बॉडी को डिस्प्लेस किया गया है लेट सपोज 30 सेंटीमीटर या 30 मीटर कर ले, और आपको एंगल दिया गया है 90। हमें कह रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो राइट एंगल के ऊपर है, एक दूसरे के साथ 90 के एंगल के ऊपर है, तो फिर वर्क कितना होगा? देखो, दिस इज योर फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप करो इसको W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। W इज इक्वल टू एफ कितना है 15, डी कितना है 30 इंटू कॉस ऑफ 90। W इज इक्वल टू 15 ज़र्ब 30 कॉस 90 किस चीज के बराबर है? 0। तो वर्क आपका किस चीज के बराबर होगा? 0। अगर एंगल आपका 90 है तो वर्क क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा एमसीक्यूज लेट सपोज आपको इस तरह आएगा कि आपको कहेंगे कि अगर वर्क जो है वो एक बॉडी के ऊपर 100 जोल हुआ है, ठीक है, वर्क जो है वो आपके पास 100 जोल है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर है, तो आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ कैसे निकालोगे? W इज इक्वल टू एफ डी, इसको आप किसके ऊपर डिवाइड करो? D, इसको भी D के ऊपर, डी डी कैंसल, F इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय D। W आपके पास है 100 जोल और D आपके पास है 10 मीटर, ये और ये आपस में कैंसल, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये आपके पास क्या है? फोर्स है। इसके बाद आपको इस तरह दिया गया होंगे कि लेट सपोज अगर आपके पास फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर है और इनके बीच में एंगल जो है वो 180 है, तो आपके पास वर्क कितना होगा? तो W इज इक्वल टू एफ और डी कॉस ऑफ थीटा या एफ एस। W इज इक्वल टू एफ कितना है 10 और ये D कितना है या ऐसा 5 इंटू कॉस ऑफ 180, तो W इज इक्वल टू 10 5 50 और इनसे क्या आता है -1, तो W इज इक्वल टू -50 जो लिया आपके पास क्या आएगा? वर्क आएगा।